हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई एसएसडी। सामने अपने हैं 2023 मॉडल मारुति सुजुकी डिज़ायर। आज की वीडियो में इसी को कवर करेंगे भाई। डिज़ायर का सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट यही है। अब उसका क्या रीज़न है वैल्यू फॉर मनी का, देखो इसमें आपको चार वेरियंट ऑफर किए जाते हैं। सबसे नीचे आता अपना LXi, फिर सबसे ऊपर आता अपना टॉप एंड वेरियंट आता ZXi+। अब बात चल रही थी अपनी भाई सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट कैसे है भाई। इसमें आपको ज़रूरत के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। वेरिएंट की बात करते हैं, VXi वेरिएंट, सेकंड बेस वेरिएंट अपने सामने है। अब बात आ जाती है कहानी काय की, गाड़ी के कीमत की। एक्सरूम की बात करते हैं तो ये आपको पड़ जा रही है 7,44,000। ऑन रोड की बात करते हैं सब कुछ मिला के छोटा मोटा तो ये आपको पड़ जा रही है 8.5 लाख रुपये। हाँ, 1,000 रुपये आपको ऊपर से और देने पड़ेंगे, 8,51,000 पड़ जा रही है, ठीक है आपको ऑन रोड। सामने से देखते हैं इस तरह से है पूरी कहानी। चौड़ाई की बात करते हैं, वृत्त की कितनी मिल जा रही है, ये अपनी मिल जा रही है 1735 mm चौड़ाई मिल जाती है। ज़बरदस्त अपनी भाई सेडान कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बिकती है इंडिया के अंदर। सामने अपना सुजुकी का लोगो हो गया। बाउंड्री को देखते हो ना तो क्रोम का यूज मिलता है लोगों के चारों तरफ, जो कि भाई सुपर स्टाइलिश लगता है। हेडलाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्मल हेलोजन सेक्शन देखने के लिए मिलता है। लो एंड आई बीम का यही काम करता है, अपना इंडिकेटर हो गया ऊपर। थोड़ी सी नीचे की साइड आपकी नज़र पड़ती है तो इस वेरिएंट में आपको फॉग लैंप नहीं मिलता, हाउसिंग मिल जा रही है। अपर वेरियंट में आपको फॉग लैंप भी मिल जाता है। ये तो छोटी मोटी चीज़ें आप करा ही सकते हो। अब इस पर नज़र पड़ती है साइड प्रोफाइल में, टेढ़ा मेढ़ा टायर हो रखा है ना अपना। अब टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको स्टील लिम ऑफर क्या जाता है, ब्लैक वाला है। टायर साइज की बात करते हैं कितना मिल जा रहा है, 165/80R 14 इंच की प्रोफाइल मिल जाती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर साइड में अपने ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। अब करेंगे भाई साइड प्रोफाइल की बात, बातचीत है ना, तो आ जाते हैं बिल्कुल कैमरे में ले लेते हैं। ये हुई ना बात। गाड़ी भाई लंबी काफ़ी है तो अपनी अंडर 4 मीटर ही, पर भाई लंबी बहुत लगती है। अब लेंथ कितनी मिल जा रही है आपको, ये मिल जा रही है 3995 mm। विड्थ मैंने बता दी 1735 mm। हाइट की बात करते हैं 1515 mm मिल जाती है, आंकड़ा देख रहे हो 15-15। व्हील बेस की बात करते हैं ना, नज़र मारो ये मिल जा रहा है कितना, 2450 mm का व्हील बेस मिल जाता है, ज़बरदस्त है। साइड से अपना इस तरह से हो गए बॉडी कलर, डोर हैंडल बॉडी कलर हो गए अपने ORVM। यहाँ पे आपको फ्यूल फिलर कैप मिल जाता है, फ्यूल फिलर कैप यार क्या बोल रहा हूँ। कैपेसिटी की बात करते हैं भाई तो ये आपको मिल जा रहा है कितना, ये मिल जाती है 37 लीटर की। पेट्रोल वर्जन तो आता ही अपना। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, ये क्या बात है, ये हुई ना बात। बात करते हैं चौड़ाई की, पीछे से ज़बरदस्त रोड प्रेजेंस तो दिखती है ना भाई इसका ना, पीछे से ऐसे छोड़ के जाती है भाई छापा रोड पे जब जाती है ना, कि भाई डिज़ायर जा रही है भाई, निराला लुक बना रखा है डिज़ायर का। सामने अपना सुजुकी का लोगो मिल जाता है 3D में। ऊपर देखते हैं हाइट स्टॉप माउंट लैंप हो गया, बाइफोडी फोगर कुछ नहीं आता अपना। ऊपर एंटीना आपको मिल जा रहा है छत पे अपने टॉप पर। साथ ही साथ नज़र मार लेते हैं बैक अपनी टेल लाइट पे, आपको जो लाल लाल दिख रही है ना ऊपर इस तरह से, ये अपनी ब्रेक लाइट जो है ये अपनी LED के साथ। रिवर्स लाइट इंडिकेटर अपना है हेलोजन बल्ब के साथ। डिज़ायर की बैजिंग यहाँ क्रोम के ऊपर मिल जा रही है आपको, कोने में 1, 2, 2 दिख रहे हैं, हाँ 3, 4 मिलते हैं भाई पूरे छोटे मोटे। पार्किंग सेंसर हो गए अपने। की बात कर लेते हैं ना, की बात करते हैं, सेंट्रल लॉकिंग की है, 2 बटन दे रखे हैं, एक अपना हो गया अनलॉक का, दूसरा हो गया लॉक का। पीछे अपना सुजुकी का लोगो, दोनों सेम की हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। नीचे आपको हाँ भाई रिफ्लेक्टर नीचे मिल जा रहे हैं, ये रहे अपने। अब बूट की बात कर लेते हैं यार, हाथों हाथ है ना क्या भाई, फिर खोलना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा। बात करते हैं बूट स्पेस की तो ये है कुछ अंदर के नज़ारे, 378 लीटर का मिलता है। ये जो पेटी मिल जा रही है ना भाई, इसमें मिलते हैं आपको व्हील कैप, कोई भी एसेसरीज का पार्ट नहीं है, आपको भी मिलेंगे भाई जब डिलीवर होगी गाड़ी। ये अपना 5वां टायर, स्पेयर व्हील टायर, स्टील लिम है, व्हील कैप इसके साथ नहीं आता। बूट स्पेस मैंने बता दिया ना कितना मिल जा रहा है, ये मिल जा रहा है 378 लीटर का। अब आ जाते हैं इंटीरियर में अपने, देख लेते हैं अंदर क्या क्या मिल जाता है, क्या बात है। ये है कुछ पूरा का पूरा डोल ट्रिम, हाँ भाई डुअल टोन तो है ही, उसके साथ साथ यहाँ पे देखो भाई फैब्रिक लगा के दे रखा है यार, प्रीमियमनेस ज़बरदस्त है। ऑल फोल चारों पावर विंडो हो गए, लॉक अनलॉक ORVM के कंट्रोल, ऊपर अपना डोर हैंडल हो गया, नीचे अपना बोतल स्पेस, ये हो गया अपना स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे हैगी, डॉक्यूमेंट के स्पेस भी मिल जा रहा है, डॉक्यूमेंट स्पेस। बात करते हैं इंटीरियर की, ये है कुछ अंदर की कहानी, बाद में आते हैं। सीट की बात करते हैं, हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, सीट अपनी फैब्रिक के अंदर है। हेडरेस की बात करते हैं, बिल्कुल अपने एडजस्टेबल हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाती है कहानी अंदर की,
बैठ जाते हैं इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर की और कहानी देख लेते हैं अंदर क्या कुछ मिल जाता है। भाई अंदर की बात करते हैं भाई, यार सुंदरता प्रीमियम की तो बात ही बाद में करेंगे, सबसे पहले अपने अंदाज में कर लेते हैं अपने दरवाजे को बंद। क्या बात है भाई, सुंदरता की बात चली थी प्रीमियमनेस की, अब देख रहे हो अंदर यार किस तरह से कह रही है कि मैं ही सुंदर हूँ साइगमेंट लीड में। अब उसका भाई कहीं ना कहीं रीजन भी है, रीजन देख रहे हो यहाँ पे अपना मार्बल फिनिशिंग, यहाँ पे हो गया ब्लैक, ये अपना वेज कलर डुअल टोन के साथ है पूरा का पूरा अपना। देख रहे हो इंटीरियर यहाँ से लेके पूरी गाड़ी अपनी डुअल टोन के साथ आती है। अंदर से देखते हैं तो स्टीयरिंग से स्टार्ट करेंगे। यार जब भी अपन रिव्यू करते हैं टेढ़ा अपनों को मिलता है कि स्टीयरिंग, तो इसको सीधा करना पड़ेगा। यहाँ पे की लगा देते हैं, एक मिनट कर देते हैं स्टार्ट, ये अब हुआ सीधा। बात करते हैं स्टीयरिंग की, तो डी कट में अपना स्टीयरिंग है। यहाँ पे देखते हैं फ्रंट में तो अपने सामने बिल्कुल सुजुकी का लोगो मिल जाता है। ये जो कंट्रोल मिलते हैं ये मिल जाते हैं अपने मल्टीमीडिया के, जो कि अपना भाई मल्टीमीडिया टच स्क्रीन आ जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी कंट्रोल नहीं मिलता, क्रूज कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं आता इस वेरियंट के अंदर। सामने की बात करते हैं यार, तो उसके लिए पहले बंद करता हूँ, दोबारा से दिखाऊंगा भाई पूरा सेटअप। सामने की बात करते हैं, इस तरह से मिल जाता है लाइट वगैरह का पूरा अपना, जंक्शन वगैरह जो भी है सामने है। सामने आपको बिग साइज की अपनी MID मिल जाती है, इधर अपना RPM मीटर हो गया, इधर अपना स्पीडोमीटर हो गया। मैक्सिमम स्पीड की बात करते हैं 220 की मिल जाती है, 220 की। और इन्फॉर्मेशन जो सारी शो करेगा ना यहाँ पे शो करेगा, अब करेगा कैसे, यहाँ पे तो कोई कंट्रोल है नहीं, तो आपको ये अपनी फैंसी वाली डंडी स्टिक दे रखी है इसी से करना पड़ेगा आपको। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करेगी, अपना ट्रिप वाला मिल जाता है यहाँ पे फैंसी वाली स्टिक, ठीक सामने की है ये कहानी। ये हो गए अपने वाइफर के कंट्रोल, इधर हो गए अपने लाइट के कंट्रोल। सारी चीजें छोड़ते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं अपने यहाँ पे सेंटर कंसोल की बात करते हैं ना, तो सबसे ऊपर देख रहे हो यहाँ पे क्रोम के साथ अपना दो एसी के वेंट्स हैं, हजार लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, टिकटॉक। ये हो गया मार्बल फिनिशिंग अपनी डैशबोर्ड एरिया में, ये आ गया भाई। तो जिसका भी जन्मदिन हो भाई उसके लिए हैप्पी बर्थडे टू यू, क्या बात है भाई। ये है पूरा का पूरा यार, अंदर जो फिनिशिंग है ना आपको पूरी की पूरी पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। चारों तरफ जो ये वाली जो मिलती है ना यहाँ पे डिजाइन जो मिलता है, चारों तरफ कवरिंग जो मिलती है, तो ये आपको मैट ब्लैक फिनिश में दे रखी है, ठीक। आपको देखो चलता है भाई, छोटी डिस्प्ले दे रखी है, बट यहाँ पे आपको फील कराएगा पूरी बड़ी डिस्प्ले की। ये हो गया इस तरह से अपनी डिस्प्ले। नीचे आते हैं, ये अपने एसी के टेम्परेचर के कंट्रोल मिल जाते हैं, मैनुअली आपको मिलते हैं। यहाँ पे अंदर देखते हैं ना, तो यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है 120 वोल्ट के साथ। ये हो गया अपना USB का स्पोर्ट, यहाँ पे फोन रख सकते हैं, फोन रखने के लिए स्पेस है। यहाँ पे आपको दो का फोल्डर दे रखे हैं। गाड़ी की गियर नॉक की बात करते हैं, 5 स्पीड गियर बॉक्स है, ट्रांसमिशन मैनुअल है, वही वाली चीज। यहाँ पे आगे देखो आप, देख रहे हो प्रीमियम ने सिल्वर सैटन का यूज है चारों तरफ। ये अपना हैंड ब्रेक हो गया। अब डैशबोर्ड एरिया की बात कर लेते हैं, ये है भाई मेन। तो यहाँ पे आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, एयरबैग की बैजिंग आपको यहाँ पे भी मिलती है, आगे दो एयरबैग मिलते हैं। ये होगी अपना एसी का वेंट्स। इधर ग्लव बॉक्स की बात करें तो अंदर की बात करते हैं, तो ये कुछ नजारे हैं भाई, कोई भी ज्ञान की छोटी मोटी किताबें कुछ नहीं मिलती। कर देते हैं बंद। ऊपर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको देख रहे हो टिकट होल्डर में कोई मिरर वगैरह नहीं मिलता ड्राइवर साइड अपना। यहाँ पे IRVM की बात करते हैं, तो मैनुअली आपको करना पड़ेगा ऊपर नीचे अपना IRVM यहाँ पे ऑन करें। हाँ हेलोजन लैंप है भाई, कर दूं पहले बंद, गर्मी लग रही है। ये हो गए अपने भाई दो कूलिंग के माइक। यहाँ पे देखते हैं तो ये है अपना इस तरह से, यहाँ पे मिरर दे रखा है, एयरबैग की बैजिंग हो गई, ठीक है। पैसेंजर साइड अपना ये है कुछ पूरा का पूरा माहौल। कर देते हैं इसको बंद। अब कहानी आ जाती है अपनी, ठीक है, काहे की रियर साइड की। रियर साइड में कितना स्पेस मिलता है सारी चीजें देखेंगे, खोल कर लेते हैं। पीछे आपको कितने फीचर्स मिलते हैं, कितना स्पेस, कितना कंफर्ट मिलता है सारी चीजें चेक करेंगे। अब भाई स्पेस की बात करते हैं, तो व्हील बेस मैंने आपको बता दिया है, तो आप भी भाई इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं स्पेस कितना मिलता है। ये है कुछ पूरा का पूरा डोर ट्रिम अपना, फैब्रिक नहीं मिलता पीछे, कोस कटिंग होगी थोड़ी सी। यहाँ पे पावर विंडो हो गया, ये अपने हो गया बोतल स्पेस, और यहाँ पे स्पीकर हो गया, ट्विटर तो आगे भी नहीं था भाई। ये हो गए आगे के, तो बिल्कुल ही एडजस्टेबल मिलते हैं, मैंने पहले भी बता दिया। अंडर थाई सपोर्ट की बात करते हैं अपने अंदाज में, तो मस्त मिल जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं है अंडर थाई सपोर्ट की। पीछे की हेडरेस्ट की बात करें भाई, दो पीछे मिलते हैं, दो आगे मिलते हैं, टोटल हो गए चार, चार के चार मिलते हैं अपने अकॉर्डिंग करने के लिए, मतलब एडजस्टेबल मिलते हैं। ये हो गया अपना आर्मरेस्ट, देखते हैं तो दो को फोल्डर मिल जाते हैं। पोजीशन सो वेरी गुड, यहाँ पे देखते हैं ना पोजीशन बढ़िया है, नीचे नहीं जा रहा ना इसलिए बढ़िया है। ये हो गया, ये है कुछ पीछे का स्पेस, पीछे के नज़ारे। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में, इंजन के ऊपर की कहानी की बात नहीं हुई ना, अब कहानी की बात कर लेते हैं इंजन की। इंजन की बात करें, 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 88 BHP 113 Nm का टॉर्क।
ये है कुछ पावर्स फिगर। अब भाई इस गाड़ी को आप लेना चाहते हैं ना तो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।